गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉड बेशा के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मी मिस आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने सारे श्लोक पढ़ा दिए, बस एक श्लोक बाकी है और उसके बाद आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक लिखिएगा। प्रश्न संस्कृत कॉपी अलग से बना करके आप लोग लिखेंगे, जैसा कि कक्षा 9 में आप लोगों ने बनाया था। अंतिम श्लोक में आप कभी कामना करता है जीवन की, मृत्यु की नहीं। मनुष्य जिंदा रहना चाहता है, मनुष्य को जीवित रहना चाहिए। इस श्लोक में हम लोग देखते हैं, तस्तर तरे लता गुल्म नो भवंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याम समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। कभी कह रहा है कि इस पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता प्राचीन काल में जब जीवन का विकास ठीक से नहीं हुआ था, उस समय जब मनुष्य पत्थरों के औजार बना करके, हथियार बना करके और आक्रमण करता था, जानवरों का शिकार करता था, उससे मनुष्य निर्दय और निष्ठुर हुआ करता था। तो आज भी महानगरों की स्थिति वैसी है, पत्थर के स्थान पर भीड़ ने ले लिया है और लोग बिना संवेदनहीन होकर के, बिना किसी भावना के बस अपने काम में लगे रहते हैं और वहाँ का जीवन बहुत ही संकटपूर्ण, प्रदूषित और कष्टपूर्ण हो गया है। कभी कहता है कि इस संवेदनाहीन समाज और वातावरण से बाहर निकल करके हमें जीवन की कामना करनी है। तो पाषाण प्रस्तर तले लता गुल्मानु भवंतु पिष्टा, इस पाषाणी युग में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन्होंने उसे पत्थर कहा है। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच में दम घुटता है, हरियाली का नामो निशान नहीं है। पाषाणी सभ्यता नितंते संचान समाविष्टा, और ये पाषाणी सभ्यता है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, कॉन्क्रीट ही दिखाई देते हैं। और इस पत्थरों के जंगल से निकल करके मनुष्य को जीवन की तलाश में हरियाली की तरफ बढ़ना है। मानवाय जीवनम कामये न जीवन मरणम, मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, मौत की कामना मैं नहीं करता। और अगर इसी तरह से अनवरत महानगरों में अगर रहा जाए तो जीवन बहुत दुर्बहन हो जाता है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो समय समय पर हरियाली, पेड़ पौधों की तरफ देखना होगा, उधर जाना होगा, उधर बढ़ना होगा। इसलिए कभी कहता है कि अब हमें कुछ हरियाली की तरफ बढ़ना चाहिए। बच्चों, आज आप लोगों का पाठ एक समाप्त हो गया है। इसमें आप लोग जो भी कठिन शब्द है उसे शब्दार्थ में आप लोग देखेंगे, देखकर समझने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों के आप लोग उत्तर लिखेंगे। प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दें, पूर्ण वाक्य में उत्तर हैं आप उसे बनाएंगे। प्रश्न दो में संधि विच्छेद है, इसे भी आप लोग कॉपी में बनाएंगे। और प्रश्न तीन, इसमें अव्यय शब्दों का ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसे आप लोग पुस्तक में ही बनाएंगे। प्रश्न चार, प्रश्न चार में आप लोगों को प्रत्यय का प्रयोग करना है, उचित प्रत्यय, युक्त प्रत्यय दिया हुआ उसे जोड़कर जो नया शब्द बनेगा वो आप लोगों को लिखना है। प्रत्यय मैंने आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया है। उसके बाद है प्रश्न पाँच, पर्याय पद लिखना है, आप सबको एक साइड में सारे शब्द लिखेंगे, उसके पर्याय को बगल में लिखेंगे। उसके बाद है समास विग्रह करना, समस्त पद करना और विग्रह करना, वो दोनों दिया हुआ उसे आप लोग भी कॉपी में बनाएंगे। और प्रश्न सात में है प्रश्न निर्माण करना। तो बच्चों, इसका आप लोग प्रश्न निर्माण करना आप लोगों को आता है, एक रेखांकित पद को चुन करके आप उससे लिख करके, और अगर रेखांकित ना है तो और भी सुविधाजनक हो जाएगा, आप किसी भी शब्द को चुन करके उसे प्रश्न के रूप में प्रयोग करके आप उसे प्रश्न निर्माण कीजिएगा। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल होंगे, ठीक से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।